व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज प्रीतिश मिश्रा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम लोग लाइव एच डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी पाइथन की मदद से, कुछ इस तरह। यानी कि ये जो आप ये वाली इमेज देख रहे हैं, ये मेरा नॉर्मल इमेज है और ये है जिसमें वो एच डिटेक्ट कर रहा है। तो इस जो एज डिटेक्शन है, इसमें जो भी एज डिटेक्टर है, ये मेरा हाथ है तो इसके एजेस है, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, ये उसे डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा नॉइज़ है इसमें, बट इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। आप इसका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका इससे आप नॉइज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये परफेक्टली एकदम एजेस को डिटेक्ट कर रहा है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग आज यही बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया है जिसका मैंने नाम रखा है edgedetection.py। तो आपको ये पॉसिबल करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैकेज लगेगा जो कि है OpenCV का, यानी कि आपको मालूम ही होगा। तो अगर नहीं मालूम तो आप उसे ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल OpenCV पाइथन। आप इसे जैसे ही रन करेंगे आपका OpenCV इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसके लिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपने इंस्टॉल किया आप उसको अभी हम इंपोर्ट कर लेंगे बाय इंपोर्ट CV2। तो अभी मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो ये एज डिटेक्शन कर लेगा। तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ लाइव एज डिटेक्शन, और ये एक पैरामीटर मैं इसमें दूंगा जो कि है फ्रेम। यानी कि क्या है मतलब, ये एक्चुअल में वो एक इमेज को करता है। तो फिर हम लोग इसको एक वीडियो करेंगे और वीडियो को जैसे ही एक वाइल ट्रू लूप में डालेंगे और हम लोग उसके फ्रेम्स लेंगे। फ्रेम मतलब जो भी उस मोमेंट का फ्रेम है। तो मैं आपको तो इसका मैं आर्गुमेंट दे देता हूँ इमेज, यहाँ पे इमेज देता हूँ। और फिर यहाँ पे दो बनाऊँगा जो कि है थ्रेश होल्ड। रुक आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने थ्रेश होल्ड 1 ये सब क्या होता है, बट मुझे बस एक बार लिख ले दीजिए, मैं इसके बाद बताता हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आपको ये वेरिएबल्स बताता हूँ कि अभी कहाँ पे यूज़ में आएंगे। अभी नहीं आएंगे बट आएंगे यूज़ में। तो मैं सबसे फिर एक और बनाऊँगा, इसका नाम मैं रखूँगा ग्रे इमेज, जिसमें मैं उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दूँगा बाय CV2 कन्वर्ट कलर। किसको कन्वर्ट करेंगे, हमारे इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे। किस में कर देंगे, CV2 BGR2 gray में कर देंगे। ओके, तो हमारा भी ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा इमेज। फिर उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कैनी, बिकॉज हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम होता है कैनी, जो ये एज डिटेक्शन करेगा। तो ये पहला आर्गुमेंट रहता है एक ग्रे स्केल इमेज, जो हमारा इमेज है उसको हमने ग्रे स्केल किया और वो यहाँ पे वो एज ए आर्गुमेंट लेगा ग्रे इमेज। और फिर लेगा थ्रेशहोल्ड 1 और थ्रेशहोल्ड 2। मैं आपको बता दूं कि थ्रेशहोल्ड 1 और थ्रेशहोल्ड 2 है क्या। तो थ्रेशहोल्ड 1 है मिनिमम वैल्यू और थ्रेशहोल्ड 2 है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो भी अगर जो भी चीज़ अगर 30 के नीचे आएगा तो वो उसे एज डिटेक्ट नहीं करेगा, और जो भी चीज़ 100 के ऊपर जाएगा उसे भी वो नहीं करेगा। यानी कि जो इसके बीच का जो इंटरवल है इस वो एज ए एज डिटेक्ट हो जाएगा। बस हमने वही उसे एज ए यहाँ पे दिया है एज ए आर्गूमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो थ्रेशहोल्ड 1 थ्रेशहोल्ड 2, तो ये लोग देते हैं यहाँ पे बताते हैं, इस लोग ने बहुत कुछ लिखा है। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन आप बस यहाँ पे इसको बता रहा हूँ मैं कि इसके दो आर्गुमेंट है थ्रेशहोल्ड 1 और थ्रेशहोल्ड 2। बस हमें फिर सिर्फ इतना करना है, और फिर क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना ये वाला वेरिएबल। रिटर्न कर देंगे हम लोग, ये कैनी को रिटर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका मैं वेरिएबल रखता हूँ वीडियो, और CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, और मेरा कैमरा पोर्ट है 0, तो मैंने 0 दे दिया है। फिर उसके बाद मैं एक वाइल ट्रू लूप चला दूंगा। वाइल ट्रू लूप के अंदर मैं बनाऊंगा रेट एंड फ्रेम इन वीडियो डॉट रीड। तो ये इसके अंदर से दो चीज़ ले लेगा, एक तो ये फ्रेम जो उस वीडियो के करेंट फ्रेम है जो कि हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, CV2 डॉट आई एम शो करेंगे, CV2 डॉट आई एम शो इज, और विंडो का नेम रखेंगे हम लोग, बिकॉज फर्स्ट आर्गुमेंट ये लेता है विंडो का नेम। तो लाइव एज डिटेक्शन, मैंने इस विंडो का नाम, सेकेंड आर्गुमेंट उसे क्या शो क्या करना है, तो मैं इसे बोलूँगा तुझे ये शो करना है। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर रन करूँगा लाइव एज डिटेक्शन, और मैं इसे फ्रेम
एज ए आर्गूमेंट दे दूंगा, देखो ये वाला फ्रेम यहाँ पे से एज ए आर्गूमेंट दूंगा जो यहाँ पे एज ए एक इमेज के फॉर्म में जाएगा। बस वो वाइल ट्रू लूप इतना फटाफट चलता है कि वो हमें एज ए वीडियो शो करेगा। फिर मैं एक और चीज़ करूँगा, मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा तो रेप्लीकेट हो जाएगा नॉर्मल वीडियो। बस फिर हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये ना करते हुए सिर्फ फ्रेम दूंगा तो ये हमको एक नॉर्मल वीडियो दे देगा। फिर बाद में इफ़ cv2.weight की 1 इज इक्वल टू 13 जो कि एस की वैल्यू ऑफ एंटर होता है, ये एस की वैल्यू है एंटर की, वो जैसे ही वो यूज़र दबाता है हम ब्रेक कर देंगे। फिर हम लूप के बाहर आएंगे, फिर कर देंगे वीडियो डॉट रिलीज और दूसरा cv2.destroy all windows। हाँ देखो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, बस ये हमारा पूरा कोड है। अभी हम इसे रन करके देखते हैं कोई एरर्स वगैरह आएंगे तो उसे ठीक कर देंगे। मैं इसे रन किया तो देखो इसने लाइव एज डिटेक्शन करने को चालू कर दिया। तो यो गाइज, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पूरा कर दिया है। बस आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो ये एज डिटेक्शन कर रहा है। आप जो अगर आपको इसकी नॉइस कम करनी है तो आप इसकी वैल्यूज अगर समझो बढ़ा दोगे, अगर मैं आपको बताता हूँ तो अगर इसको 1 इतना भी ज़्यादा नहीं 150 करके देखते हैं। सॉरी मैं इसको 150 कर दिया, अभी देखते क्या होगा। थोड़ा नॉइस कम हो जाएगा, देखो पहले बहुत नॉइस था, अभी थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि अब वो 130 तक वैल्यू हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए। सो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, छोटा सा ही वीडियो था लेकिन ये एक अच्छा है कि आप इसे बनाएं। और सो थैंक यू गाइस, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आप इसे खुद बना सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको हर एक वीडियो का कोड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, अगर समझो आपने ये वाला वीडियो देखा है सी प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कोड वगैरह सब कुछ हो रहता है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपको बाद में देखता हूँ, बाय।